जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं यह बताने वाला हूं कि आखिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों पर जो वैकेंसी निकल के आई हुई है पूरे ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के यह आ रही है कि अभी नवंबर का महीना आपका आने वाला है और अक्टूबर चल रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पास समय जो है काफ़ी कम यहाँ पर निकल के आ रहा है। आखिर इसके बदलाव को लेकर यहाँ पर क्या है और वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आप जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं। जैसे कि बोल सकते हैं फिजिकल डेट, फिजिकल कब से होने वाला है, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसका नोडल फोर्स जो है वही नोडल फोर्स इसका फाइनल रिजल्ट भी यहां पे जारी करेगा। जैसा कि इस नोटिस में सारी चीजें बता दी गई हैं, इस नोटिस के माध्यम से मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको सारी जानकारी यहां पे मिल सके। देखिए आपको बता दें कि इस भर्ती बताया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में विल भी यहां पे बताया गया है कि आपका सबसे पहले यहां पे दौड़ हार होने वाला है, उसके बाद हाइट चेस्ट वेट होगा, उसके बाद असवी के यहां पे सीबीटी होने वाला है जो कि हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए एग्जाम का बहुत ही बड़ा रहता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं और आप इस भर्ती से पीछे होने का भी सामना कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली कई सारी भर्तियों में आवेदन करने के बावजूद भी आप सिलेक्शन नहीं हो पाए, उसका मेन कारण है एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से, क्योंकि इसी नंबर की वजह से ही आप सभी का फाइनल में जो मेरिट बनती है इसी नंबर को ही मिलाकर बनाया जाता है। तो एग्जाम में नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको फाइनल में सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आप सभी का स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आती है इसमें होता क्या है कि आपका 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करना और 50% ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना। अगर आप एग्जाम में थोड़ा बहुत कम ही नंबर लेकर आते हैं, अगर आप किसी तरीके टाइपिंग के लिए चले जाते हैं, टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाता है और आप टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन उस जगह पर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां पर फोकस करना है अपने टाइपिंग पर भी। यहां पर देखिए सारी चीजें बता दी गई हैं, इसके माध्यम से मैं आप सभी को सारी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। देखिए यहां बताया गया कंप्यूटर बेसिक्स आप सभी का टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आप सभी का टेस्ट यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आप सभी का एग्जाम यहां पे होने वाला है। उसके बाद स्किल टेस्ट यहां पे बताया गया है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से आप सभी का यहां पे टाइपिंग भी होने वाला है। 35 वर्ड पर मिनट आप सभी को यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा और हिंदी में टाइपिंग करना होगा 30 वर्ड पर मिनट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जान लेना है और अपने एग्जाम की तैयारी को अभी से ही शुरू कर देनी है। दोस्तों अगर आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या अदर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे रेलवे बैंकिंग, तो आप सभी को यहाँ पे टेस्ट बुक पर टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट बुक पर यहाँ पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से आप सभी एक बार टेस्ट बुक यहाँ से परचेस करेंगे तो पूरे साल आप सभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस टेस्ट बुक से यहाँ पे कर सकते हैं। पूरे साल आप सबके लिए टेस्ट पास प्रो यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ आप सभी को 608 रुपये मिलने वाला है। हमारा कूपन कोड MAN यूज करके आप सभी इसको 13% डिस्काउंट लेकर भी इसके ऊपर परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बता दें टेस्ट बुक पर आप सभी को यहाँ पे 800 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देखने को मिल जाएगा और साथ ही आप सभी को टेस्ट बुक पर यहाँ पर 80,000 प्लस आप सभी को यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाला है अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। और इसी के साथ में आपको बता दें 17,000 प्लस आप सभी को यहाँ पे PYQ मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आप सभी को 12 लैंग्वेज में टेस्ट बुक यहां पे मिल रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं हमको सिलेक्शन लेना है तो आप टेस्ट बुक पर टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि टेस्ट बुक पर जब आप टेस्ट लगाएंगे इसके दौरान जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए टेस्ट बुक आपको यहां पर सिलेक्शन दिलाने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर आप सभी इंस्टॉल करिए और हमारा कूपन कोड MAN यूज करिए और फटाफट आप सभी इसको परचेस करिए और अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत बनाइए। अब आप सभी जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, यहाँ पर आप सभी देखिएगा लिखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप सभी का PHT पहले होने वाला है। PHT में आप सभी की यहाँ पे रनिंग होने वाली है, हाइट चढ़ने वाली है, चेस्ट और वेट। अगर रनिंग की यहाँ पे बात की जाए तो आप सभी का 1600 मीटर आपकी यहाँ पे रनिंग होगी और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपके अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी, 165 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और इसी के साथ में आप सभी का लॉन्ग जंप, हाई जंप ये कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है। ये सीधे आप सभी बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कि आपका फिजिकल में सिर्फ रनिंग होगा, आपका हाइट मापा जाएगा, आपका चेस्ट मापा जाएगा जो कि 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। और इसी के साथ में आप सभी का यहाँ पे वेट मापा जाएगा बस, बाकी फिजिकल में और कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। फिजिकल के समय आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी को जब फिजिकल देने आप जाएंगे सेंटर पर आपको जब एंट्री मिलेगी तो वहां पर आप सभी के पास एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में आप सभी का आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा जो कि आपको आइडेंटिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप सभी यहाँ पर अपना आधार कार्ड ही लेकर जाएं, ठीक है।
उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल का, जो कि बहुत जल्द ये जारी होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ में आप सभी को यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का 2 फोटो लेकर जाना है, ठीक है, आपका ही होना चाहिए पासपोर्ट साइज का 2 फोटो। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर बस चले जाना है, और आपको हो सके तो अपने DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप सभी को यहाँ पे अपना 10th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और वैकेंसी बताया गया है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि वैकेंसी ऑल इंडिया बेस पे है या फिर स्टेट वाइज है, तो आपको बता दें वैकेंसी देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपकी वैकेंसी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया को मिलाकर आई है, तो इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया बेस की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया इसकी कट ऑफ भी यहाँ पे बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, SC ST OBC EWS, इस प्रकार से आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ऊपर चलते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम को लेकर, एग्जाम आप सबके लिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है आप सब इसको सुन सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फिजिकल पास करने के बाद आप सभी को यहाँ पे एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB इतने सारे फोर्सेस में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, साथ में असम राइफल, इतनी सारी फोर्सेज को मिलाकर एक साथ इस बार भर्ती निकाली गई है। अब दोबारा भर्ती कब आएगी इसके बारे में किसी को अता पता नहीं है, क्योंकि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सभी के SCM के पदों को निकालकर टोटल 1526 पद बनाए गए हैं, और ये सारी वैकेंसी एक साथ BSF SCM के साथ में निकाल दी गई। जब सारी वैकेंसी एक साथ आ गई, कम से कम यहां पे 2 साल अब इसकी वैकेंसी जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली है, और यही वैकेंसी 1526 जो है यही वैकेंसी आगे आने वाले समय में बढ़कर कम से कम 3000 वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूं नंबर ऑफ वैकेंसी के पीछे बिल्कुल ना परेशान रहिए, आप अपनी सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आगे चल के यहां पर घट सकती है और बढ़ भी सकती है। मैं तो यही कह रहा हूं वैकेंसी आपकी यहां पर बढ़ने की टोटल चांस है, घटने की कोई भी यहां पर उम्मीद नहीं है। अगर यहां पर आपके फिजिकल की बात की जाए, तो आप सभी के फिजिकल जो होने वाले हैं वो यहां पर टोटल 40 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पे असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP इन सभी फोर्सेस को मिलाकर कुल यहाँ पे 40 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जब फिजिकल सेंटर बना लिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे फिजिकल सेंटर जब यहाँ पे खाली रहेंगे तभी आपके फिजिकल हो पाना यहाँ पे संभव होगा। अगर बेसिकली यहाँ पे देखा जाए कि अगर आप BSF के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, BSF SCM इसका नोडल, मतलब BSF इसका नोडल फोर्स बनी है, तो BSF ही इसका फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी, बस यहाँ पे फिजिकल सेंटर जो होंगे वो यहाँ पे और भी फोर्सेस के लिए जाएंगे, जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, इन सभी फिजिकल सेंटर पर भी BSF SCM का फिजिकल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जब ये सारे फिजिकल सेंटर खाली होंगे तभी आपके फिजिकल यहाँ पे हो पाएंगे, और ये सारे फिजिकल सेंटर जो है वो यहाँ पे 8 नवंबर के बाद खाली हो जाएंगे, क्योंकि 8 नवंबर तक SC GD के फिजिकल चल रहे हैं। और जैसे फिजिकल यहां पे समाप्त होता है उसके बाद यहां पे मेडिकल वगैरह सब टोटल आप मिला के, टोटल मिलाकर अगर यहां पे देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां पे आप सभी का 21 नवंबर तक लगभग सारे फिजिकल सेंटर यहां पे खाली हो जाएंगे, तो इन्हीं फिजिकल सेंटर पर BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के भी फिजिकल कंडक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो यहां पे डेट बताया जाए तो आपका दिसंबर का महीना जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी का रहने वाला है फिजिकल के लिए। अगर आप फिजिकल देना चाहते हैं और आप सभी चाहते हैं इसका फिजिकल कब होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं दिसंबर का महीना आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर्म स्टेटस आप सभी का कभी भी जारी हो सकता है और बहुत सारे बच्चों का फॉर्म यहां पे एक्सेप्ट होगा। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि फोटो में गलती कर दिए थे, सिग्नेचर में गलती कर दिए थे, इस वजह से उनका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट हो सकता है, बाकी सारे बच्चे यहां पे इनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और इनको यहां पे मौका मिलेगा। तो मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि फिजिकल तो मान लो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप कुछ दिन तैयारी करेंगे फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में यहां पे आपको सालों 2 सालों की मेहनत भी कम पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप जो नंबर लेकर आएंगे उसी के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे अपना टेस्ट बुक अभी से डाउनलोड करके और अभी आपको परचेस करके आप सभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन उस टेस्ट बुक से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप सभी इंस्टॉल करिए, हमारा कूपन कोड MAN यूज करिए और फटाफट आप सभी इसको परचेस करिए, अपनी तैयारी मजबूत बनाइए, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, आपको मैंने बता दिया सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर वगैरह अलग अलग से जारी किया गया था, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक स्टेट का रोल नंबर यहाँ पे अलग था, ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, फिजिकल होगा, फिर CBT होगा, फिर आप सभी का DME, RME और यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको कवर करा दिया है। जो सारे बच्चे परेशान हो रहे जिसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला, कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला, मैं आप सभी को बता दूँ कॉम्पिटिशन के बारे में। तो कॉम्पिटिशन आप सभी के यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है, अगर मैं इसको यहाँ पे 100% मान लेता हूँ, जो 7 से 8 लाख बच्चे हैं इनको मैं अगर यहाँ पे
100% मान लेता हूँ, तो यहाँ पे टोटल अगर 100% बच्चों ने यहाँ पे अगर आवेदन किया है, तो इसमें से जब फिजिकल एकेडमिक कार्ड जारी होगा तो सारे बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे। अगर मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ 70% बच्चे जो हैं वो फिजिकल सेंटर पर पहुंचेंगे, ठीक है, और इसमें से सारे बच्चे फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं होंगे। जो फिजिकल देने जाएगा उसमें से लगभग 20% बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे हाइट में, चाहे रनिंग में, चाहे चेस्ट में, कहीं ना कहीं वो फेल होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 50% बच्चे ही बहुत मतलब एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, फिजिकल में 50% बच्चे क्वालिफाई होंगे। लेकिन ये जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम पे देने नहीं जाते, कुछ बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम को स्किप कर देते हैं फिजिकल क्वालिफाई होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 40% बच्चे ही ऐसे होंगे जो फिजिकल के बाद यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में पहुंचेंगे। कितना पहुंचेंगे? 40% युवा ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे एग्जाम तक पहुंचेंगे। अब 40% बच्चा जब एग्जाम को देगा, ठीक है, और वैकेंसी कितनी है 1526, अगर ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ जाती है तो कंपटीशन कुछ नहीं है, अगर नहीं भी भर्ती तो भी कंपटीशन यहाँ पे कम ही देखा जाएगा, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी भर्तियों में रहता है, ठीक है। कंपटीशन आप सभी का यहाँ पे घट जाएगा टाइपिंग में, अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप इसकी वैकेंसी लेकर जाएंगे। और बात रही एग्जाम क्वालिफाई करने का कि एग्जाम में कितना नंबर लाने वाले बच्चों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, तो मैं आप सभी बता दूं अगर आप 80+ नंबर लेकर आते हैं तो आप सभी यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हो एग्जाम के बाद, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है पहले टाइपिंग के लिए जाना, ठीक है, उसके बाद वहां पे आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने के आपके 95% चांस हो जाते हैं, ठीक है, टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद। क्योंकि टाइपिंग के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो नोडल फोर्स यहाँ पे सीआरपीएफ बन सकती है, अगर सीआरपीएफ नोडल फोर्स बन गई टाइपिंग के लिए तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं टाइपिंग में, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 1458 पदों में सारी चीजें यहाँ पे देखी गई हैं, ठीक है। तो लग जाए तैयारी में, समय आपके पास बहुत कम है, बाकी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट, तब तक के लिए